शूटिंग हो रही हो दिन दहाड़े, गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही उत्तर प्रदेश में? और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन काम हो रहे हैं, और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर, कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। केवल एक शहर की घटना नहीं है, अगर कल ही की हम जानकारी करें उत्तर प्रदेश में। अब आप इस पर डिबेट नहीं हो सकता, निवेदन कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा है अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, नेता सदन से ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है जवाब देंगे कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है, शूटिंग हो रही हो, बम चल रहे हो, क्या कोई फिल्म की शूटिंग के लिए आप ही करवा रहे हैं क्या? उसकी घटना घटित हुई थी, आचरण तो उनका उस समय भी सामने आया था। लड़के हैं, गलती कर देते हैं, ऐसे भी बयान आए थे। ऐसे ही अन्य तमाम वक्तव्य उस समय आए थे। महोदय, वे लोग लोकतंत्र की बात करें, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये किसके गुरु हैं? यानी यह सिद्धानंद गुरु किसके हैं? यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। और महोदय, मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ, ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए, कम से कम इस बात को शर्म करनी चाहिए। किस प्रकार का आचरण होना चाहिए? हमने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन जो वक्तव्य कभी बोले गए हैं उन वक्तव्यों पे चर्चा तो होनी ही चाहिए। आपको कहना चाहिए था ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं, और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रोग रोग में अपराध भरा हुआ है, अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। मैं सच नहीं कहा, पूरा प्रदेश इस बात को जानता है। और आज ये लोग अपनी साफ पोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो, आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मोदी जी बोले, आपने जो बात कहनी अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा आप अपनी बात कहिएगा, आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा, आपको कृत्य किया है वो माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है, अपनी बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आप अपनी बात का जवाब दीजिए।
आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा।